नमस्कार, गोपाल राय। भोजपुरी का मेगा शो गढ़ा महोत्सव इस वर्ष 5 नवंबर की शाम को अपने पुराने अंदाज में आयोजित होगा। इसकी घोषणा भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक गायक व अभिनेता गोपाल राय ने बुधवार को भरौली स्थित कैंप कार्यालय पर हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद की। नमस्कार, गोपाल राय। ये बारी अपना पुराना तेवर में, पुराना अंदाज में 2022 के गढ़ा महोत्सव 5 नवंबर के शाम के शुरू होके जाता के, जैसे कि पहले रात के होके पूरी रात सम्मान समारोह, संगे संगे सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजपुरी के जितना बड़न बड़न कलाकार, नायक नायिका, तमाम तरह के एक्टर जैसे आवत रहे, ए बारी भी भरपूर तरीका से पूरा गढ़ा विकास मंच की तैयारी रही, प्रयास रही कि अपना ही निकाल के अपने तोड़ल जाओ हर साल के, और बेहद खूबसूरत गढ़ा महोत्सव आप सबके समक्ष रखल जाओ, आप सबके सहयोग अपेक्षित बैठे। अध्यक्ष जी कुछ कह दे, संरक्षक महोदय, महासचिव, आज भरौली स्थित गढ़ा विकास मंच के कैंप कार्यालय पर अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान से संबद्ध गढ़ा विकास मंच के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कोरोना काल बीत जाने के बाद अब हम लोग पुनः गढ़ा महोत्सव जैसे भोजपुरी के महान सांस्कृतिक कार्यक्रम को फिर से आयोजित करेंगे। इसलिए 2022 में हरिशंकर राय स्मृति गढ़ा महोत्सव के आयोजन की तिथि को लेकर यह निर्णय हुआ है कि हम 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार की शाम को पुनः, जैसे शुरुआती दौर में हम लोग रात को गढ़ा महोत्सव कराते थे और भोजपुरी के सितारे यहाँ जगमगाते थे, पुनः एक बार इस वर्ष भी 5 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5 बजे भोजपुरी के सितारे गढ़ा के आंचल में रात्रि की बेला में फिर से जगमगाएंगे। इस अवसर पर मंच के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार सुधीर ओझा, अध्यक्ष चंद्रमणि राय, महासचिव विजेंद्र राय, उपाध्यक्ष रियाजुद्दीन राजू, संगठन मंत्री रमेश यादव, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष गायक सुशील राय, प्रवक्ता हरे राम राय, कुंदन राय, चंद्रशेखर राय, कमलेश राय, कृष्णा राय, कार्तिक राय आदि मौजूद रहे। बक्सर टॉप न्यूज़ भी अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि वह 5 नवंबर को आयोजित होने वाले गढ़ा महोत्सव में अवश्य शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए आमंत्रित करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में शामिल होकर भोजपुरी की सुगंध महसूस कर सकें।